जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया पर अक्सर आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होती रहती है, वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री के तमाम सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं और वो हर दिन अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लगातार फैंस के बीच अपनी वीडियोज़ और फोटोज शेयर करते हुए नज़र आते हैं। बता दें आपको कि हाल ही में सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन कही जाने वाली शिल्पा शेट्टी की। जी हाँ, शिल्पा शेट्टी अपनी फिटनेस के लिए जानी जाती हैं, वहीं साथ ही वो सोशल मीडिया पर जितना एक्टिव रहती हैं तो उन्होंने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है। दरअसल आपको बता दें कि इस वीडियो को अब तक 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं। जानकारी के लिए बता दें कि शिल्पा शेट्टी का ये वीडियो है उनका मेकअप वीडियो, जो कि जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, जिससे लोग काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। वेल फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जैसा कि आप देख ही रहे होंगे इस वीडियो में कि कैसे शिल्पा शेट्टी को लोग उनके जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उनको घेर कर खड़े हुए हैं, और उस वीडियो में शिल्पा शेट्टी भी अलग अलग रिएक्शन देती हुई नज़र आ रही हैं। बता दें आपको कि सभी लोग उनके मेकअप करने के लिए उनके चारों ओर खड़े हो गए हैं। वेल फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दें कि उन्होंने अपने इस वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है कि अब तक की बेस्ट टीम को धन्यवाद, इनके काम की वजह से मैं शांत रहती हूँ। वहीं साथ ही साथ आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए अपनी पूरी टीम को धन्यवाद कहा है और उनकी जमकर तारीफ की है। ऐसे में देखा जाए तो शिल्पा शेट्टी के इस वीडियो को सभी लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। वेल फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा इस वीडियो में, लेकिन जाते जाते आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी अपनी अपकमिंग फिल्म निकम्मा के जरिए फिर से बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हैं। इस फिल्म में शिल्पा के साथ नजर आएंगे अभिमन्यु दासानी और शर्ले सैतिया, जो कि लीड रोल में नजर आएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये फिल्म एक्शन कॉमेडी होगी और ये फिल्म अगले साल 2020 में रिलीज होगी। सो फ्रेंड्स, आपको शिल्पा शेट्टी का ये वीडियो देखकर कैसा लगा ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। प्रांशी की रिपोर्ट।